नमस्कार दोस्तों, मैं जेकी सांकला आज आपको बताऊंगा कि अल्ट्राटेक नॉर्मल और अल्ट्राटेक वेदर प्लस में क्या डिफरेंस है। अल्ट्राटेक नॉर्मल तो नॉर्मल सीमेंट है जो जनरली सभी प्रकार की आती है सीमेंट, लेकिन अल्ट्राटेक ने एक अलग से ब्रांड निकाला है अल्ट्राटेक का ही, अल्ट्राटेक वेदर प्लस, जो कि वाटर प्रूफ सीमेंट है। ठीक है, उसकी क्या खासियत है, आपको क्यों लगाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो दोस्तों, अल्ट्राटेक वेदर प्लस सीमेंट लगाने के क्या फायदे हैं और क्यों लगाना चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो नंबर वन पॉइंट है कि मुझे वाटर रिपेलेंट सीमेंट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए सुनिएगा, ठीक है, कि घर की मजबूती की असली परीक्षा बारिश में होती है, क्योंकि बारिश में आता है सीलन। ठीक है, बारिश में सीलन आता है, तो एक बार सीलन घर में अगर घुस जाए फिर उसे छुटकारा पाना नामुमकिन है। सीलन अपनी जड़ें जमाकर अंदर ही अंदर बड़ी तेजी से फैलता है और घर के ढांचे को भीतर से कमजोर और खोखला कर देता है, जिससे घर की आयु कम हो जाती है। अगर इससे इसका उपाय न किया जाए तो ये सीलन पानी बनकर घर में टपकने लगता है। ठीक है, अब दोबारा प्लास्टर या पेंट करना महंगा और झंझट भरा होता है, पर कुछ ही दिनों में सीलन फिर से वापस आ जाता है। अल्ट्राटेक वेदर प्लस एक वाटर रिपेलेंट सीमेंट है जो सीलन को रोके और आपके घर को अल्टीमेट प्रोटेक्शन देकर अधिक टिकाऊ बनाए। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन कि सीलन की निशानियाँ क्या है। सीलन की वजह से दीवारों और छत पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, प्लास्टर और पेंट उखड़ जाते हैं जिससे दीवारों का रंग खराब हो जाता है। इनमें एल्गी और फंगस पैदा होते हैं जिससे घर में दुर्गंध आने लगती है और कुछ ही दिनों में आपका घर पुराना दिखाई देने लगता है। दुर्भाग्य से जब तक सीलन हमें दिखता है बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक ये घर को कमज़ोर बना चुका होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, क्यों है सीलन घर की मजबूती का सबसे बड़ा दुश्मन। ठीक है, सीलन बड़ी तेजी से छत और दीवारों के रास्ते घर के अंदर घुसता है। सीलन नींव से होकर दीवारों पे भी चढ़ता है। ठीक है, मतलब फाउंडेशन से भी दीवारों के ऊपर चढ़ता है, तो सीलन के संपर्क में रहने से सीमेंट की मजबूती घटती है। ठीक है, सरिया में जंग लगता है जिससे आपके घर का ढांचा कमज़ोर हो जाता है और उसकी आयु कम हो जाती है। ठीक है, चौथा पॉइंट पढ़ेंगे कि अल्ट्राटेक वेदर प्लस सीमेंट एक अल्टीमेट सॉल्यूशन क्यों है, ये आपको क्यों लगाना चाहिए। ठीक है, तो पेंट, डिस्टेम्पर, वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट की पतली सी परत बहुत जल्द दीवारों से उखड़ जाती है। ठीक है, इससे ये सीलन के विरुद्ध असरदार और टिकाऊ समाधान नहीं है। ठीक है, ये सीलन के विरुद्ध टिकाऊदार समाधान नहीं है, तो नतीजा हमें बार बार प्लास्टर और पेंटिंग करवानी पड़ती है। ये महंगे और झंझट भरे होने के बावजूद हमें कुछ ही दिनों के लिए अस्थायी राहत देते हैं, मतलब कुछ ही दिनों के लिए रहते हैं फिर वापस हो जाते हैं। तो अल्ट्राटेक वेदर प्लस से निर्माण करने पर आपके घर की सीलन से अल्टीमेट प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, तो इसमें HPP हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स फार्मूला जो सीलन को घर में घुसने नहीं देता है, HPP फॉर्मूला यूज़ किया गया है, जिससे क्या होता है सीलन को अपने घर के अंदर नहीं घुसने देता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे अपन कि अल्ट्राटेक वेदर प्लस कैसे काम करता है। ठीक है, तो अल्ट्राटेक वेदर प्लस दीवारों पे पानी को टिकाने न दें और सीलन को घुसने न दें, इसका फार्मूला कैपिलरीज के आपसी जोड़ को तोड़ता है और कंक्रीट के अंदर की दरारों को अच्छे से भरता है। कैपिलरीज क्या होती है, बारीक बारीक होल्स बन जाते हैं जिससे पानी ऊपर आने लगता है, तो उनको क्या करता है तोड़ देता है और कंक्रीट के अंदर की जो दरार रहती है उनको भरता है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि क्या अल्ट्राटेक वेदर प्लस सिर्फ छत के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सीलन आपके घर में छत से, दीवारों से और यहाँ तक कि घर की नींव से भी घुस सकता है। ठीक है, कहीं से भी घुस सकता है सीलन, इसलिए अपने घर को सीलन से अल्टीमेट प्रोटेक्शन देने के लिए पूरे घर का वेदर प्लस से निर्माण करना बेहतर है।
अल्ट्राटेक वेदर प्लस नीव, छत, प्लास्टर कार्य और अन्य सब स्ट्रक्चर कामों के लिए आदर्श है। ठीक है, मतलब पूरे मकान में आप यूज़ कर सकते हो अल्ट्राटेक वेदर प्लस, जिससे आपकी सीलन कहीं से भी आने की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, अल्ट्राटेक वेदर प्लस टेम्पर प्रूफ बैग में ही क्यों? अब ये टेम्पर प्रूफ बैग में ही क्यों आती है अल्ट्राटेक वेदर प्लस सीमेंट? इसका कारण जान लीजिए कि अल्ट्राटेक वेदर प्लस एक स्पेशल टेम्पर प्रूफ बैग में उपलब्ध है, जो सुनिश्चित करता है कि ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के दौरान सीमेंट का नुकसान ना हो। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज जब यहाँ पर गोडाउन में पड़ी रहती है, वहाँ पर नुकसान ना हो। साथ ही इस बैग में रखने से सीमेंट की गुणवत्ता लंबे समय तक बरकरार रहती है। ठीक है, सीमेंट की आयु बढ़ जाती है टेम्पर प्रूफ बैग में रखने से। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो कि अल्ट्राटेक वेदर प्लस सीमेंट आपको क्यों लगाना चाहिए, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।